जनूबी पंजाब का किसान अरसा दराज से रहने लगा परेशान। लियाकतपुर में खाद माफिया और जखीरेंदोजों का गठजोड़, खाद माफिया यूरिया खाद दुकानों के बजाय खुफिया मकाम पर उतारने लगे। उधर लहिया में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद न मिलने पर गन्नों की फसल मुतासर, काश्तकार सलापा एहतजाज, हुकाम से नोटिस का मुतालबा। किसान को सस्ती और मियारी खाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का इजलास में हुक्म। कहा यूरिया खाद की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खसूसी इकदाम किए जाए। डीसी खानेवाल को भी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी की लिया आमद, डॉक्टर जावेद अख्तर नूरानी ने जेयूआई के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू की। कहा मौजूदा हुकूमत ने महंगाई का सैलाब बद इंतजामी की इंतहा कर दी। पीडीएम के तहत तमाम 23 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज होगा। अलहदा सूबा बनाने की तहरीक जोर पकड़ गई। मुल्तान में सराय की जमातों का हेड मोहम्मद वाला रोड पर मुश्तरका एहतजाज। कहते हैं हुकूमत ने 100 दिन में सूबे का वादा किया जो पूरा ना हो सका। तराकिस्तान कौमी काउंसिल, तराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान तराकी पार्टी के कारकुनान एहतजाज में शामिल। भावलपुर के बासी मुद्रे सेहत दूध पीने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। पाउडर और केमिकल से बना 2000 लीटर दूध तलब कर दिया गया। मुजरिम रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। दूसरी जानब कार्रवाई में 10 किलो मुद्रे सेहत घी भी तलब। मुल्तान में सर्द हवाओं का कहर, रेल और हवाई खिदमत मुतासर। धुंध के बायस मुतादिद प्रवासें मुअत्तल, ट्रेनों का निजाम भी धरम बरम। तेजगाम, जकरिया, मिल्लत, कराक्रम और शालीमार एक्सप्रेस समेत मुतादिद ट्रेनें लेट, मुसाफिर खार। लोधरा और खुशाब में रिमझिम स्मोक और धुंध के बादल छट गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप रहमानपुरा, गुलाबपुरा, कोड़े वाला, जीवन वाला, गली चिश्ती वाली समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी। बहावलपुर नूबी पंजाब के पहले ग्रैंड शॉपिंग अरीना मॉल का अख्ताम। आरूफ एंकर पर्सन बदामी वसीम बदामी समेत तकरीब पंजाब की अहम सियासी और बिजनेस कम्युनिटी की शिरकत। अरीना मॉल में अपार्टमेंट 20% से 4 साल के इंस्टॉलमेंट पर दस्तियाब होगा। दुकानें 25% पर 3.5 साल के इकसार पर दस्तियाब होंगी। सीईओ अरीना मॉल अहमद आल का तकरीब का खिताब। कहा अरीना मॉल में एक छत तले शॉपिंग की तमाम सहूलियात देंगे। बहावलपुर प्रेस क्लब का इंतखाबी मैदान 30 दिसंबर को लगेगा। सहाफियों के एजाज में फुट तकल्लुफ दोहराने का अहतमाम। फ्रेंड्स और यूनाइटेड ग्रुप्स मध्य मुकाबल, पहले भी सहाफी की खिदमात की अब भी करेंगे। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जीत के लिए प्रस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान को लवाहिकीन की तलाश। घर से भागे 3 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। बच्चों में 12 साल अब्दुल रहमान, 11 साल इश्तियाक, 10 साल अबूजर शामिल। बच्चों का ताल्लुक गदाई, डीजे खान और मुल्तान से है। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंट्रल मंत्री। डीजे खान में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से सेमिनार, रुकन सूबाई असेंबली डॉक्टर शहीना नजीब खोसा के शिरकत। डॉक्टर अब्दुल रहमान हफीज ने मोटिवेशनल लेक्चर। जामिया सदीकतुल कुबरा जामपुर में महफिल सजाई गई। रवायती देसी खानों का दस्तरखान सज गया। मेहमानों की तवाज़ो साग मक्खन, लस्सी और बाजरे की रोटी सकी गई। संडे बन गया फंडे। भावलपुर में छुट्टी के रोज चिड़ियाघर की रौनकियां हो गई दुबाला। बच्चों की मौज मस्ती, खाया पिया, खूब इंजॉय किया, बच्चे खुशी से निहाल। बक्कर के जमनेजियम कॉम्प्लेक्स में डार्क शो का अहतमाम। शौकीन अफराद की बड़ी तादाद उमड़ आई। जर्मन शेफर्ड समेत मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते नवाज के लिए पेश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से डार्क बाल मालिकान की शिरकत। और शहर औलिया में रंगों का मेला सज गया। मुल्तान मुगल दौदी की नुमाइश का 4था रोज। बारिश के बाद रंग बिरंगे फूलों ने मंजर को मजीद दिलकश बना दिया।
नुमाइश में 15,000 से ज्यादा गमले रखे गए। नुमाइश में आए बच्चों की खुशी थी।